हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज से हम इंटरमीडिएट के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज इसी क्रम में हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट है कंटिन्यूटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सत्यता। इसका मतलब होता है देयर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ। मतलब यदि कोई फंक्शन है उसका हम ग्राफ ड्रा करें, यदि उस ग्राफ में कोई ब्रेक ना हो तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं वो कॉन्टिन्यूस है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ एक ग्राफ बना हुआ है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, इट मींस एक ऐसा है कॉन्टिन्यूस है। यहाँ एक दूसरा ग्राफ बनाया हमने जहाँ पे भी यहाँ पे ब्रेक है, देखो इसका मतलब है ये जो ग्राफ होगा वो हमारा डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, लेकिन ये तो बात हो गई बाई फिगर। लेकिन यदि हम इसे सॉल्व करें, सॉल्व करके देखें, तो कैसे पता करेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या नहीं है? उसके लिए हम तीन चीज़ें फाइंड करेंगे। पहली चीज लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसे हम लिखेंगे LHL। ठीक है, इसको निकालने का तरीका होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच। ठीक है, ए वो होता है जिस पॉइंट पे हमें चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, दूसरी बात राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, इसको हम शॉर्ट में लिख लेंगे आर एच एल। इसको फाइंड करेंगे हम लिमिट एस टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, मींस लेफ्ट निकालते समय हम ए माइनस एच और राइट हैंड लिमिट निकालते समय ए प्लस एच करेंगे। ठीक है, और इसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, वो होगी एफ ए। यदि ये तीनों इक्वल आ जाएं तब हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। यदि इनमें से कोई दो भी इक्वल ना हो तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है। इट मींस यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें, वो आपस में इक्वल ना हो तब हम कहेंगे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। या लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएं, वो फंक्शन की वैल्यू इक्वल ना हो तब भी डिसकॉन्टिन्यूस होगा। इट मींस कॉन्टिन्यूस होने के लिए इन तीनों को इक्वल होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज है 5.1, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर 5x-3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5। हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तीन पॉइंट पे, 0 पर, -3 पर और 5 पर। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे 0 पे। यहाँ x बराबर a बराबर 0, यानी कि यहाँ a की जो वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे जो होती है लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस एच। यहाँ पर a की वैल्यू 0 है जो हो जाएगी 0 माइनस एच, जिससे लिख सकते हैं f ऑफ माइनस एच। हमारा जो फंक्शन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3। ठीक है, इसी से इसमें हम अपनी इस फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, यानी जहाँ पे x दिया हुआ है वहाँ पे माइनस एच पुट कर देंगे जो हमें a मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे जो आएगा -5x-3। इसमें हम लिमिट को पुट करेंगे जिससे हमें LHL की वैल्यू जो होगी वो -3 मिल जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं RHL। RHL होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस एच। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 0, जो हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस एच, जो हो जाएगा f ऑफ h। ठीक है, इससे वैल्यू आएगी 5x-3, जिसको सॉल्व करेंगे जिससे RHL हमारा आ जाएगा -3। ठीक है, अब निकालेंगे f ऑफ a यानी f 0, जो आएगा -3। यहाँ हम देख रहे हैं कि LHL, RHL और f ऑफ 0 तीनों इक्वल हैं, और किसके इक्वल हैं -3 के। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है हमारा वो x बराबर 0 पे कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब चेक करते हैं x बराबर -3 पे। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे LHL, जो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 f -3 माइनस एच। ठीक है, यहाँ हम क्या देखेंगे, जो हमारा फंक्शन ऑफ x है 5x-3 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो x की जगह पे है क्या -3-h, यानी फंक्शन में जहाँ पर भी x लिखा है वहाँ पर -3-h लिख देंगे। यहाँ आएगा 5 ब्रैकेट में -3-h, जो कि x की जगह पे आया है। ठीक है, और -3। इसको सॉल्व करेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमें LHL की जो वैल्यू होगी वो -18 मिल जाएगी।
इसी प्रकार से हम RHL निकालेंगे, जो भी माइनस 18 आएगा और फंक्शन की वैल्यू भी माइनस 18 आ रही है, ठीक है। इस प्रकार इसमें यहाँ पर भी तीनों की वैल्यू इक्वल हैं, सो जो फंक्शन होगा हमारा वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा x बराबर माइनस 3 पर। x बराबर 5 पर हम सिमिलरली चेक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।